इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पर ये कार्रवाई हुई है और उन पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल पर हमला किया गया। प्रमुख गवाह उमेश पाल पर जानलेवा हमला हुआ है। चलाई गई गोलियां और देसी बम भी उन पर फेंके गए। धूमरगंज स्थित घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। आपको बता दें कि प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पर हमला किया गया। प्रमुख गवाह उमेश पाल पर यह जानलेवा हमला किया गया। धूमरगंज स्थित घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। देसी बमों से भी जानलेवा हमला किया गया। उमेश की सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पर ये हमला किया गया। और इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो कि उमेश की सुरक्षा में तैनात थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजूपाल हत्याकांड का जो मामला था, उमेश उसमें गवाह बना हुआ है, जिसकी वजह से उस पर बदमाशों ने हमला किया, जान से मारने की कोशिश की। देसी बमों से उस पर जानलेवा हमला किया गया और कुछ गोलियां भी चलाई गई, और इसी में दो पुलिसकर्मी जो कि उमेश की सुरक्षा में तैनात थे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के साथ अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या है पूरा मामला? अविनाश दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजू पाल पर, जो हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, बम से उनके ऊपर हमला हुआ है और बदमाशों ने उनको एक गोली मारी है। जिस तरीके से बता दें आपको कि प्रयागराज में जो बीएसपी विधायक राजू पाल थे, हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल थे, उन पर आज जानलेवा हमला हुआ है, और जिसको लेकर पुलिस जो है अभी जांच कर रही है। और ये जांच का एक विषय है कि अभी जांच में कौन लोग हैं, इसकी जो गंभीरतापूर्वक पुलिस है वो जांच कर रही है। बिल्कुल, उमेश की जो सुरक्षा थी, दो पुलिसकर्मी तैनात थे, वो भी घायल बताए जा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी, उसके बावजूद भी इतनी हिमाकत उन बदमाशों ने की, फिर भी फायरिंग की और बम फेंके। बिल्कुल, उमेश पाल की जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात दो पुलिसकर्मी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और उनके जो दो पुलिसकर्मी थे वो गंभीर रूप से घायल हैं। और लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, वो कौन लोग थे, क्या है, तहकीकात का एक विषय है, और उसमें जांच में कौन लोग थे ये अभी साफ तौर पर निकल कर नहीं आया है। बिल्कुल अविनाश, अब तक कुछ जानकारी लग पाई है, कोई सीसीटीवी फुटेज कुछ सामने आए हैं कि आखिर कौन हो सकते हैं, क्या कुछ पुलिस का कहना, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस है वो जांच कर रही है, और जांच का ये विषय है कि चीज की तहकीकात किया जा रहा है कि वो कौन लोग थे, कि अभी अज्ञात के वो नाम सामने आए हैं, अभी कोई ऐसा साच समझ नहीं आया है कि जिसमें कौन लोग थे, उनकी एक पुलिस तहकीकात कर रही है और एक जांच का विषय है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अविनाश। और ये से हमारे सहयोगी अविनाश, ये जो जानकारी मिल रही है प्रयागराज से मिल रही है, जहाँ पर राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पर फायरिंग हुई है। सुरक्षाकर्मी तो तैनात थे, उनकी सुरक्षा में वो जरूर घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये अज्ञात बदमाश कौन थे और किसके द्वारा इन्हें भेजा गया था। तमाम जो चीज़ें हैं वो जांच का विषय है, हालांकि अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है।